एटम, न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी एंड बाइंडिंग एनर्जी के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। तो अगर हम बात करें कि एटम का मॉडल क्या था, सबसे पहला मॉडल जो आया वो थॉमसन मॉडल आया, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे, न्यूक्लियस का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसने कि एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस बताया। तो क्या बताया कि मान लो आपके पास एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, और रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर स्ट्राइक करवाए, अल्फा पार्टिकल्स आए, अल्फा पार्टिकल्स में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स हेड ऑन यहाँ पर आ रहे हैं, कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोलिजन हो नहीं पाएगा। वो क्यों, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस 2e। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, Ze, क्योंकि इसके अंदर मान लो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को जब यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेंट्रल लाइन पे कोलाइड करने की कोशिश करेगा, कर नहीं पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल। तो ये अल्फा पार्टिकल आएंगे और जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे, बात खत्म। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल थोड़े से ऊपर आए, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया गया, तो जो पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर से आए, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव ने क्या किया, रिपेल किया, और एंगल क्या बन गया, ग्रेटर देन 90, अच्छी खासी डिफ्लेक्शन हुई। अच्छी खासी डिफ्लेक्शन से मेरा मतलब है अच्छी खासी फोर्स ऑफ रिपल्शन मिली, और इसमें तो बहुत ज़्यादा मिली क्योंकि हेड ऑन कोलाइड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल थोड़े और दूर हैं, तो न्यूक्लियस उन्हें ठीक तरह रिपेल नहीं कर पाया या कम फोर्स से रिपेल कर पाया। तो अल्फा पार्टिकल्स आए, इसने इसको कम फोर्स से रिपेल किया, इसलिए डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा ना हो पाई, डिफ्लेक्शन लेस देन 90 रही। अल्फा पार्टिकल जो और ऊपर आए, जो मान लो अल्फा पार्टिकल और ऊपर आए, उनको तो डिफ्लेक्शन ही नहीं मिली, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए रिपल्शन नहीं हो पाई। और जो अल्फा पार्टिकल और ऊपर आए, देखो वो तो स्ट्रेट 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 चले गए। तो इमेजिन करें, आपने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को घेरा, बहुत कम पार्टिकल्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन मिलने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत 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 छोटा होता है। तो कितना रिपेल कर लेगा, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, स्ट्रेट चले गए। तो इससे ये पता लगा कि एटम के सेंटर पे एक हैवी पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, इसे अंडरलाइन और हाईलाइट कर लें। आपके बोर्ड के पेपर एनसीईआरटी में या कभी कभी कंपटीशन के अंदर भी इंस्टेड की रदरफोर्ड लिखे, वो क्या लिख देता है, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर कईयों को नहीं पता लगता कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट एक ही बात है। ठीक है, तो एक ही बात है। तो इसके अंदर एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या बताया गया, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आया और इसे हिट नहीं कर पाया और वापस उसी रास्ते से चला गया, तो इसकी डिफ्लेक्शन का एंगल कितना है, बोलो 180, आया और चला गया 180। तो कितनी दूर से चला गया, इस दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मैंने अलग से डायग्राम बनाया है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, जेड इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, प्लस 2e, ट्वाइस दी चार्ज ऑफ प्रोटोन, प्लस 2e। तो अल्फा पार्टिकल आता है वी वेलोसिटी के साथ, यहां पे आके रुक जाता है और फिर वापस चला जाता है। तो कितने डिस्टेंस पहले रुकता है उसको आर नॉट बोलते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालने को आता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, जब अल्फा पार्टिकल यहां पर आएगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे आते उसकी काइनेटिक क्या हो गई, जीरो, फॉर एन इंस्टेंट वो रुका और फिर वापस चला गया। अब एनर्जी गई कहां, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्रिएट हो गई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या की थी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, 1/4πε0 2e into ze divided by r naught, 1/4πε0 q1 q2 by r naught। तो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई,
तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, आर नॉट आ गया और हाफ एम वी स्क्वायर नीचे आ गया। तो इसके अंदर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इनटू zd बाई काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की या तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, या न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी कभी ये e गिवन होती है, e। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कैपिटल e है। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। इसको एज इट इज याद करने का कोई मतलब नहीं, ऐसे याद करना मुश्किल है। आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट जो आप मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर हेडिंग डालें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और उसके अंदर सिर्फ ये नोट करें बस, कि कल को अगर कोई क्वेश्चन आया हमें कॉन्सेप्ट पता हो कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, बस ये एनर्जी ये नोट कर लें और लिख लें आर नॉट का मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो आपकी हैंड रिटन बुकलेट है जिसमें से ये चल रहा है, आपके पास प्रिंट आउट है इसका, ठीक। तो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो यूज करेंगे। ओरिजिनली जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी यूज की गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज की गई, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करके जूल में। तो इतनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल की यूज की, ठीक। तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है।